हेलो गाइस, तो आज हम लोग आए हैं श्रीनगर से गुलमर्ग। सो गुलमर्ग में हम करेंगे गंडोला राइड, एंड गुलमर्ग में गंडोला राइड इज़ द मेन अट्रैक्शन। सो वन डे इज़ इनफ फॉर गुलमर्ग, सो यू कैन कम इन द मॉर्निंग एंड गो बैक इन द इवनिंग। हमारा है स्लॉट 2 विच इज़ 11:15 to 1:30 फॉर फेज 1। जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो अभी गाइस हम लोग गंडोला राइड में एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे क्यू रहेगी, तो जल्दी से जाते हैं। तो अभी हम गंडोला राइड की लाइन में लगे हैं। रियांश रियांश सॉरी सॉरी, इधर देखो, हाँ गोगल भी है। तो गंडोला राइड का टिकट है, ये गंडोला है। हाँ ये सेंटा क्लॉज वाली है गाइस। हमारे 11 AM का टिकट है, ऑलमोस्ट 11 AM हो गए हैं, लाइन लगी हुई है, अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं। हम लोगों ने वहाँ से पार्किंग से पोनी राइड की थी यहाँ तक आने के लिए, है ना, लेकिन कोई पोनी राइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल ही आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ज़बरदस्ती पोनी राइड में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड लार्जेस्ट गंडोला राइड। सेकेंड तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा? फर्स्ट लार्जेस्ट कहीं का तो है, ये सेकेंड लार्जेस्ट। ये कौन है? सेकेंड फेज की क्यू में लगे हैं। मुझे पता है सर। सेकेंड फेज में इतनी बड़ी लाइन लग गई है। ₹13,800 फ्रॉम श्रीनगर। तो गाइज अब हम गंडोला राइड के सेकेंड फेज में जा रहे हैं। ये 13,800 feet के ऊंचाई पे है और बहुत अच्छा व्यू है इधर से। इस बार तो ये फर्स्ट फेज में भी आइस है, सेकेंड फेज में तो और बहुत आइस मिलेगी, ऊपर पूरा आइस ही आइस शुरू हो गई है। रियांश कैसा फील कर रहे हो? बहुत कैसा लग रहा है? बहुत ठंड लगेगी उधर, बहुत ही। इसमें एक लोग भी बैठ जाएंगे तो चले जाते हैं। हाँ एक लोग भी बैठ जाते हैं। हाँ कितने भी लोग? मैक्सिमम 6 लोग बैठते हैं, वैसे मिनिमम 1 भी चले जाएंगे। हाँ मिनिमम 1-2 भी चले जाएंगे, इसमें मैक्सिमम 2 आई थिंक 2। रियांश फुल तैयारी के साथ है, जैकेट वैकेट ले ली थी हमने तनमर्ग में सब लोगों ने, और ग्लव्स ले लिए थे, और हमने शूज भी ले लिए थे। ग्लव्स
सनमर्ग से नहीं है, पर शौर को ग्लव्स बहुत बड़े हो रहे हैं तो वो पहन ही नहीं रहा है ग्लव्स। हाँ मैंने अपनी जेब में डाल लिया। और ये देखो व्यू है, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है गाइस। हाँ तो उन लोगों ने बोला है कि अस्थमा और कार्डियक डिजीज के जो लोग हैं ना वो राइड नहीं कर सकते। बाकी अभी हमने देखा एक 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 लेडी बहुत छोटे बच्चे को लिए थी, एक्चुअली 10 मंथ्स का ही था। पता नहीं उतना अलाउड रहता है कि नहीं, बट वो बोल तो रहे हैं अलाउड है। ये सबसे बड़ा हाइट है, दिस इज वर्ल्ड सेकंड हाइएस्ट गंडोला राइड है ना, एंड इंडिया इंडिया में फर्स्ट हाइएस्ट। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम। ये जब से हमने बताया है कि ऑक्सीजन लेवल का इशू है तब से सबका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा है धीरे धीरे। मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तुम्हारा भी हो रहा है? नहीं, इनका नहीं हो रहा है, मेरा हो रहा है, इनका हो रहा है, इन दो लोगों का ही होता है। और हमारा वो यहाँ भी दर्द दे रहा है। तुम्हें भी हो रहा है ऐसा दर्द? इनको हम दोनों एक से है ना। इस चेयर पे जाते हैं थर्ड फेज, किसी को नहीं जाना थर्ड फेज। अरे भैया अरे मुझे लगा था ये व्यू मुझे कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मे में, बट ये यूएस में रहता है। अरे ये व्यू कहीं नहीं रहता है, कैलिफोर्निया में रहता होगा ना। गाइस देखो ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये बिल्कुल इधर आ गए हैं और इसमें आइस में थोड़ा सा बस हल्की चलना पड़ता है। वाओ बर्फ को इकट्ठा कर रहे हो, पर यहाँ पर थोड़ा आइस में आ गए ना टॉप पॉइंट पे तो इतना ठंडी नहीं लग रही है, थोड़ा सा कम लगती, पर अभी आफ्टरनून हो रहा है, 12 o'clock बज रहे हैं तो थोड़ा कम। हाँ हाँ 4 मैगी देखो ले लो, आइस से खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो रियांश, क्या कर रहे हो, आइस से खेल रहे हो, क्या बना रहे स्नो? स्नोमैन बनाने की तैयारी चल रही है, इतना बड़ा बर्फ बना लिया, स्नोमैन बन रहे हैं। ठीक है रियांश उसकी हेल्प करो बनाने में। ने अपना स्नोमैन बना लिया है और टुकू ने नहीं बनाया, बट वो उसने नहीं बनाया, वो झूठ कह रहा है। इसी ने बनाया है। चलो अपन ये क्या है, आके देखो मैंने इसको चश्मा भी लगा दिया, कैसा लग रहा है मेरा स्नोमैन, एकदम कूल लग रहा है ना स्नोमैन मेरा। हेलो गाइस स्नोमैन इज मस्त है ना एकदम।
लोग मैगी खा रहे हैं, मैगी के मजे चल रहे हैं बर्फ में। गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं, रिटर्न हो गया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय कर लिया है यहाँ पर, अब बहुत ठंड लगने लगी है। अब जो हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, हम लोगों को क्यू लगानी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगा।